हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अभी शादी वाले घर में जो रस्में हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और वैसे भी तो शादी वाले घर में रस्में एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन से लगी हुई होती हैं। तो लास्ट ब्लॉग आपने देखा कि हम जो है नई नवेली दुल्हन को विदा करा कर उसके ससुराल लेकर आ गए हैं, और बड़े धूमधाम से और पूरी रस्मों के साथ विधिवत दुल्हन का नए घर में स्वागत, उसके ससुराल में उसका गृह प्रवेश कराया गया, उसका वेलकम किया गया। और अब यहाँ पे जो है, सुबह तो दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ था और ये शाम का वीडियो है, और शाम के वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ। हमारे घर में एक रस्म और होती है मड़वा सिरवावन की। मड़वा सिरवावन यानी जो मंडप होता है शादी के पहले, जो मंडप छाया जाता है ना शादी के बाद, उसको शुभ दिन यानी किसी भी अच्छा दिन देख कर, जिस दिन अच्छा दिन होता है उस दिन वो सारा मंडप का जो पूरा होता है सामान, वो एक डलिया में भर के सभी लोग जो है किसी बड़े नहर या सरोवर तालाब में ले जाते हैं। तो बस वही रस्म यहाँ पे हो रही है। मंडप का सारा सामान, ये मेरी बहन पायल है, इसको रखवा दिया गया है एक डलिया में करके, और इसमें 5-7 औरतें, सुहागन औरतें लगती हैं, और वही सारा मिल के जो है ये काम करवाती हैं। तो ये सारा सामान हम लोग लेके जो है जा रहे हैं हमारे पुराने खेत, हमारे घर से थोड़ा दूर पर हमारे खेत हैं जहाँ बाग खोद बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे बाग खोद जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, तो वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को लेके जाया जाता है, और वहाँ पे मंडप विसर्जन करने की विधि होती है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी हैं, और हमारे घर की मतलब जितनी बहुएं हैं, जितनी लेडीज़ हैं, मैं, मेरी मम्मी, मामी, बुआ और घर की सभी लड़कियाँ। तो फिलहाल हमारे घर से थोड़ा दूर पे पड़ता है ये बाग खोद, हमारी जो खेत हैं हमारे, तो यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ियों से आए हैं। देखिए पीछे हमारी कार खड़ी है और एक ओमनी खड़ी है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपनी गाड़ियों से आए हैं, और गाड़ी से आने के बाद थोड़ी दूर पे ही जो है हमें जो है सुमित लेकर आए थे, सुमित ने उतार दिया क्योंकि इसके आगे अब गाड़ी नहीं जा सकती, खेतों में चल के पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग गाड़ियों से उतर के खेतों में अब पैदल जा रहे हैं। खेतों की मेड़ पे बहुत ही संभाल के चलना पड़ता है क्योंकि ऊंची नीचे मेड़ होती हैं, ऊंचे पतले पतले बहुत सकरे सकरे रास्ते होते हैं, और उनमें बहुत संभाल के चलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी चूके ना तो सीधा जो है पानी में गिरेंगे, खेतों में गिरेंगे जाके। और यहाँ पे शाम का 4 बज रहा था, और ये देखिए गाँव का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है ना, इतना शांत होता है, इतना सुकून मिलता है, मतलब ये बिल्कुल प्रकृति का जो है आनंद तो गाँव में ही लेने को मिलता है और देखने को मिलता है। कि मतलब इतना सन्नाटा था यहाँ पे कि बस चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, बाकी कोई शोरगुल नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन जो है आगे आ ही रहे हैं, और बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही ऊंचे नीचे थे, बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते थे यहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं खेतों में, अब यहाँ पे जो है मंडप विसर्जन की। तो बस यहाँ पे खेतों में पहुँच चुके हैं, और जो ये पायल के सर पे मंडप का सामान का जो डलिया भर के रखवाया गया था ना, इसको 5 सुहागन और औरतें मिलके सर से डलिया जो है उतरवाती हैं, और उतार के 5 बार गोल गोल घुमा के इसको ज़मीन में डलिया सहित पलट कर रख देती हैं, और फिर इसको जो है खोल कर देखा नहीं जाता, टच नहीं किया जाता, इसको हम ऐसे ही छोड़ कर वापस चले जाते हैं। इसमें पूजा पाठ करके थोड़ा घी गुड़ लगा के दिया जला के इसको ऐसे ही छोड़ के वापस चले जाया जाता है। और यहाँ पर फिर जो है दूल्हा दुल्हन के हाथ में जो कलीरें बंधी होती है ना, उनको दूल्हा दुल्हन जो है एक दूसरे की कलीरें खोलते हैं, और एक हाथ से ही खोलना होता है, और जो एक बार में खोल लेता है जीत उसकी होती है, और उसी की हुकूमत चलती है। तो बस यहाँ पे इसका पूजा पाठ करने के बाद चाचा और चाची दोनों को एक दूसरे के हाथ में जो कलावा बंधा हुआ है, जो उसमें गांठें लगी हुई हैं, उसको एक हाथ से दोनों एक दूसरे का खोलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो जितनी औरतें हैं ना सभी मिल के एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ती हैं, थोड़ी देर ऐसे ही खेल होता है, और यही रस्म होती है। और फिर इसके बाद जो है वापस जाते वक्त भी पूजा की जाती है। देखा था ना लड़का वाले में कितनी दम है, कितने हर जगह ये है कर हर आयो ना बाप हर न माने ना। अच्छा अपने पंडित को ना सफा पुंडी लगा देती हूं, सफा पुंडी से ही करी वैसे भाई भाई गाठी लगे। एक तो बताइए अपने इनके सबके चुड़िया उड़िया में और घूम जाते हो, ऐसी बात नहीं है। चल अब बुआ तुम्हें हेल्प कर देती है, बहनी तुम्हारी काका वो वाला है ना, वो का है फांस तुमने वो कछुआ वो खोली है बांधा तो नहीं है पंडित, हम अपने खुद बांधे
मैं जो रुचि करके रहा दोनों बांधे था, एक मजा ने कहा ही एक मजा ने कहा जाए एक टांगा दे ये हम यहां खींच ले एक खींचो एक खींचो। तो दोस्तों यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के हाथ में जो गांठें बंधी थी वो गांठें खोल ली थी, और उसके बाद यहाँ पे फिर कुश्ती लड़ी जाती है। देवरानी जेठानी आपस में लड़ती हैं, बुआ भतीजी लड़ती हैं, और दोनों बहनें बहनें लड़ती हैं। तो बस यहाँ पे वही कुश्ती वाला गेम हो रहा है। और जो हम लोग घर से मंडप में मंडप का कलश लेके आते हैं ना, कलश में जो पानी होता है उस पानी का जल भी सबके ऊपर छिड़का जाता है ताकि जिसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो जल्दी से लंबा हो जाए। तो यहाँ पे देखो बुआ भतीजी पायल और जो है अंशिका गले लग रही हैं कुश्ती लड़ने की एक सम होती है। तो बस यहाँ पे सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब वापस हम लोग जो है घर के लिए निकल रहे हैं। और वापस जाते टाइम भी मम्मी लोग जो है पांच जगह रुक रुक के पूजा करेंगी, और जब बारात जाते टाइम जहाँ जहाँ जो है दूल्हा कुल देवी के दर्शन करने लिए के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जाता है तो वहाँ वहाँ दुल्हन को लेके जाया जाएगा कुल देवी के आशीर्वाद दिलाने के लिए और दर्शन कराने के लिए। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल अभी सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और दूल्हा दुल्हन को हम लोग वापस घर लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे बस घर के अंदर जा ही रहे थे तब तक दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे के साथ में जो हम जोली के दोस्त हैं सभी उन लोगों ने मिलके जो है दूल्हे को दरवाजे के बाहर ही रोक लिया है, चाची जी को बाहर रोक लिया है, दूल्हे को जाने दिया। अब दूल्हे से जो है लंबी नेक की फरमाइश हो रही कि जब दूल्हा जो है सभी लड़कों को नेक देगा तभी वो चाची जी को घर के अंदर आने देंगे। तो बस यहाँ पे दूल्हे का और दूल्हे के दोस्तों का आपस में नेक को लेके जो है लेन देन का मैटर चल रहा है। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का व्लॉग। हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।